कल पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ। लुधियाना दे विच बीते दिनी एक दोहरा कतल मामला सामने आया सी। दोहरे कतल का मामला जिस विच सुखदेव सिंह ते उन्हां दी पत्नी गुरमीत कौर दा तेज धार हथियार दे नाल कतल कर दिता गया सी ते हुण पुलिस वल्लों महज दो दिनों के अंदर ही उस कतल की गुत्थी नूं सुलझाउण दा दावा किया गया ते पुलिस वल्लों एक गिरफ्तारी भी की गई है ते जिस व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया गया उस बजुर्ग पति पत्नी दे पुत्तर दा साला दस्या जा रहा है ते पुलिस वल्लों कहा जा रहा है कि उसके मन दे विच एक रोस सी इस गल नूं लैके एक दुश्मनी सी जां पुरानी रंजिश सी जिसके चलदे उसने कतल किया कि उसकी भैण नूं खुश नहीं रख्या जा रहा ते उसकी मां नूं भी जिहड़े हैगियां जलील किया जाता ज कुछ अजिहियां गल्लां उसके मन दे विच सी क्योंकि वह आप NRI सी ते बाहर दा लंदन दा रहण वाला दस्या जा रहा ते इस समय वह जगदेव नगर दे विच लुधियाना दे विच रह रहा सी। इस सारी घटना के चलद उसके मन में जो रोस से बीते समय दौरान हुई कुछ गल्लां बातों के चलद क्योंकि 2017 के उसका विआह होया उस समय भी कोई आपस के इस तरह का कलेष रहा जिस दे चलद उसके मन के गुस्सा भरया होया ते उसने अजिहा कतल करन दी सोची। हालांकि उसकी पत्नी नूं पुलिस के दसण मुताबक इस बारे में कोई जानकारी नहीं सी पर कतल के इरादे नूं लैके जो ये मुलजम हैगा जो आरोपी जो पुलिस ने दस्या कि जिसनों गिरफ़्तार किया गया वह उन्होंने घर जाता है तो रस्ते तो 10 मिनट के राह तो पहला ही अपनी गड्डी पार्क कर दिता हथियार तो ग्लव्स नाल लेके जाता तो कतल अंदर जाके करता हथों पाई हों कतल करके जो बाहर आता उस को दरवाज़ा नहीं खुलता तो कंध टप के बाहर जाता। पुलिस ने सारा मामला किस तरह ट्रेस किया किस तरह आरोपी तक पुलिस पहुँचती है मामला होया कि पुलिस की जबानी ही तुम सुना दें। करने लई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी सी कि जिहड़ा 103 नंबर मुकदमा पुलिस स्टेशन सराबा नगर का दर्ज होया सी जिहड़े विच बुजुर्ग दंपति सुखदेव सिंह ते उन्हां दी वाइफ गुरमीत कौर का कतल होया सी वो असी ट्रेस करके और उहदा मुलजिम चरणजीत सिंह उहनूं अरैसट कर लिया है। चरणजीत सिंह एक्चुअली इन्हां दे कोई बेसिकली जो ब्रदर इन लॉ है उन्हां दी वाइफ बेस जिहड़े इन्हां दा लड़का है उहदा साला लगता है और ये बेसिकली लंडन दा रहण वाला है तो इत्थे आ करके जसदेव नगर में अपनी वाइफ नाल रह रहा सी। ये 2017 विच इहदा विआह होण दे बाद काफ़ी इहदी प्रॉब्लम्स जिहड़े इहदे जीजे नाल चल रही सी ते उहनां दी फैमिली नाल उस विच इहनूं रोश जिहड़ा काफ़ी मन विच सी कि भी उह उहनां दी सिस्टर नूं ठीक तरीके नाल ट्रीट नहीं करदे हैं उहनूं जिहड़ा है अपनी फैमिली नाल घुलण मिलण नहीं दिंदे हैं और उन्होंने एक तरीके से टॉर्चर किया होया है ते और अपनी विआह का भी इनू ये रंजिश सी कि भी इहदा विआह दे विच बहुत ज़्यादा कलेश पाया गया। ये सारी गल्लां जिहड़ियां जदों लास्ट 8-10 दिन दे विच या महीने दे विच पता चलिया कि भी उन्हां दी छेती जिहड़े उहदे पेरेंट्स इहदे जीजे दे उत्थे जाण वाले हैं और जीजा जिहड़ा इन्हां दा जगमोहन सिंह एडिनबरा विच रहिंदे हैं उसके बाद कुछ इन्हां दी फैमिली की दिक्कत आई जिहड़ी इहनूं उत्थे इन्हां दी मदर थ्रू पता चली चरणजीत दी और उसके बाद इहदे वल्लों प्लान बनाया गया कि मैंने जा करके इन्हां दे नाल जिहड़ा है जो इन्होंने प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी विच क्रिएट कीती हैं जां फैमिली विच क्रिएट कीती हैं मैं उन्हां दा जिहड़ा है एक तरीके से रिवेंज लवाऊंगा और तारीख 5 नूं इन्हें पहले 4 बजे एक बार जा करके उस जगह पर देखा जदों पता चलिया कि उन्हां दी गड्डी नहीं है सरदार सुखदेव सिंह नहीं आउणगे फिर ये 8:30 बजे के नेड़े उत्थे गया उन्हें गड्डी करीब अपनी 10 मिनट के राह जितों पैदल चलना सी उत्थे पार्क की और पार्क करन दे बाद अपने रक्सैक नाल पहुँचा जिहड़े विच एक चाकू से कुछ ग्लव्स वगैरह ये नाल लैके गया सी। उत्थे जाण दे बाद इहदी जदों कुछ तलखी हुई उत्थे इन्हां दी गलबात दौरान उस तो बाद इहदे रोश विच आ करके उन्हां ते चाकुआं नाल वार कीते ते दोनों हसबेंड ते वाइफ दा उत्थे कतल कर दिता और उसके बाद ये दीवार टप करके भज्जा जदों कि इहदे कोलों गेट नहीं खुलिया। इस तरीके से जिहड़ा ये काफ़ी गुंझलदार मसला सी उहनूं असी काफ़ी घट समय में साड़ी टीम वालों ट्रेस किया गया तो जी CIA 1 की टीम है जिहदे विच इंस्पैक्टर राजेश हैं मैडम अश्विनी जी ADCP 3 हैं ढींसा साहब हैं जिहड़े ओवरऑल DCP लॉ एंड ऑर्डर तो सिटी का काम देख रहे हैं तो साढ़े ADCP जगतप्रीत हैं इन्हां वल्लों एक बहुत लगातार दिन रात मेहनत करके इस केस नूं ट्रेस किया गया है और इस दे बाद असी अगे दी तफ्तीश जारी रखे हुए हैं जिहदे विच जो कतल करन विच जो हथियार इस्तेमाल किया गया कपड़े पाए गए होर एविडेंसिस हैं उन्हां नूं कलैक्ट करन लई कार्रवाई जारी है। इहदी गिरफ्तारी हो चुकी है तो अज इहनूं गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इहदी जिहड़ी जो इन्हों की लड़की सी उस वालों जदों इन्हों फुटेजेस वगैरह दिखाए गए उन्हें वालों आइडेंटिफाई किया गया और इन्हों पहचान करके पता किया गया
ये पता चलिया कि जसदेव नगर इलाके रह रहा है। उस तो बाद साड़ी टीम्स लगातार यदा जड़ा है ट्रैप करन दी कोशिश भी थी और आज इन्हें अरेस्ट कर लिया है। कल्ला ये जी इन्हें अकेले ही काम किया सी क्योंकि इसकी वाइफ वगैरह नु हाले तक ये पता चलिया है कि इस बारे दे प्लान्स बारे बहुत ज़्यादा नहीं सी और कल्ले दे मन में ये रोष सी कि भी जड़ी ये फैमिली है उहदे नाल जड़ा है बहुत चंगा वतीरा नहीं कर रही। उहदी मदर नु जड़ा है उन्होंने मिसट्रीट किया हुआ है, उहदी सिस्टर दे लई उन्होंने जिंदगी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, एक तरीके से दबाव बनाया जाता है कि वो ना कोलों कोई संबंध ना रखन। इस सारी घटना दे विच इहदे मन विच बहुत ज़्यादा रोश है। अगे की पुछगिछ असी कर रहे हैं और जो भी एविडेंसिस कलैक्ट करके और जड़ा इहनू जल्द तो जल्द अदालत पेश कर दूंगा।